जय जिनेंद्र, प्रणाम सभी को। आप सभी शादा में होंगे। ये आज मैं आपको धार नगर के अंदर भक्तामर महातीर्थ का दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर ध्वजा चढ़ाई गई दादा की, 44 देरियों की, 3 मूल नायक मुख्य देरियों की, और ये भक्तामर तीर्थ जिसकी 44 गाथाएँ होती हैं उसके अनुरूप इस तीर्थ को बनाया गया है। हर गाथा के अनुरूप तीर्थंकर परमात्मा के प्रतिमा जी विराजित हैं, और मैं ऊपर मंदिर जी के अंदर जा रहा हूँ आपको दर्शन करवाने के लिए। ये भैरव जी का मंदिर है, ये पद्मावती माता का मंदिर है, और ये पूरा कमल आकार में बना हुआ है ये मंदिर। आइए, देर न करते हुए आपको भगवान का दर्शन करवाता हूँ। मंदिर बहुत विशाल एवं भव्य रूप से बनाया गया है, आपको बताता हूँ मैं। मुख्य मुल्लायक भगवान श्री आदिनाथ दादा, नमो जिनानम, इस रूप से प्रतिमा बहुत कम देखने को मिलती है, जिसमें भगवान के केश भी प्रतिमा के साथ में है। आप देख सकते हैं, साथ में केश भी आपको दिख रहे होंगे, और इसी के साथ में ये भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से अलग अलग देरियां बना रखी है यहीं से क्रम से मंदिर के चारों ओर इसी प्रकार से बना रखी हैं, और बहुत भव्य मंदिर है। ये धार में ही है प्रॉपर रूप से, जस्ट नजदीक ही है, आप दर्शन कर सकते हैं। नमो जिनानम। मूल नायक आदिनाथ भगवान है, साथ में एक तरफ भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, और उस तरफ भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। और मुख्य के रूप में आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। इतना सुंदर वातावरण है, इतना आनंदमय वातावरण है। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी जब आपका आगमन एमपी के क्षेत्र में हो, मोहनखेड़ा आने का हो, तो पंचतीर्थी के लिए सबसे बेस्ट तीर्थ हैं, जहाँ मोहनखेड़ा के साथ में पंचतीर्थी करना चाहते हैं तो मोहनखेड़ा, अमीजरा, भोपावर और धार भक्तामर जी, और इसी के साथ में अमीजरा आदि तीर्थों के दर्शन करके आपकी पंचतीर्थी यात्रा मंगलमय हो सकती है। ध्वजा के पश्चात इंद्र देवता भी अपनी झमझम बारिश से ये यहाँ के वातावरण को मग्नमय बनाते हुए, आप देख सकते हैं, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ अच्छे रूप से मेघ देवता पधारे हैं, और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर ध्वजा के पावन अवसर पर आकर के अपनी प्रदान की है।